सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं, ये मेरे पास 6 इंच में जो है एक वूफर है सोनी का, ठीक है। इसमें आपको अगर एम्पलीफायर हो तभी जो है ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा ये, ठीक है। एक मतलब एक बॉक्स ही है, ठीक है। तो इसमें हम जो है आपका जो 20-30 IC का बोर्ड आता है वो हम इसके अंदर स्टोर करने वाले हैं। और इसके लिए हम चलाएँगे इसमें 3 एम्पेयर का चार्जर 12012 का, और एक लगाएंगे इसमें हम ब्लूटूथ कार्ड भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब सारा का सारा जो है सामान मैं लेके आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो एक ब्लूटूथ कार है, ओके। और एक मेन लीड है मतलब सप्लाई के लिए, प्लस यहाँ पे हम पीछे लगाएंगे ताकि इसको जो है स्पीकर वगैरह हम चला सकें, ये वाला कनेक्टर आते हैं स्पीकर के लिए। तो सब कुछ जो है असेंबल करता हूँ, उसके बाद जो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप से जो है इसके रहने वाला आउटपुट, ठीक है गाइस। बोर्ड वगैरह और जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगाने के लिए, और जो हमारा ब्लूटूथ का जो मॉड्यूल है यहाँ पे लगाऊंगा मैं कटिंग करके, ठीक है, इसको निकाल दूंगा। और यहाँ पे जो है आपका स्पीकर जो है, क्योंकि ये जो है पूरा फिक्स है, कहीं से भी खुलने वाला जुगाड़ इसमें मेरे को अभी तक तो खैर नहीं दिखा है, और है भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। ये प्रॉपर जो है सील्ड बॉक्स है, तो हमको जो है स्पीकर निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो है इसके अंदर में सारा ट्रांसफार्मर वगैरह का, देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है अंदर भी, ट्रांसफार्मर और जो है प्लेट वगैरह जो है असेंबल करूँगा, ठीक है। तो एक बार मैं सारा कुछ कर लेता हूँ, नोब वगैरह उसकी जो भी है मैं सारा कुछ करके आपको जो है इसकी साउंड भी सुनाता हूँ। तो गाइस अभी तक जो है हमने कटिंग कर ली है, जहाँ पर हमारा जो है ब्लूटूथ कार्ड लगेगा यहाँ पर जो है कटिंग हमने कर ली है, ठीक है। अभी जो है इसको बस थोड़ा सा फाइन करना बाकी है, ठीक है, वो कर लूँगा मैं। ऊपर से हमने वायरिंग कर दी है इसकी प्रॉपर, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हम होल भी करेंगे 3 या 2, ताकि जो वॉल्यूम और बेस के लिए हम कंट्रोल कर सके, ठीक है, वो भी हम कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो गाइस बॉडी वर्क जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैंने प्लेट यहाँ पे फिक्स कर दी है एक स्क्रू से, ठीक है, और ट्रांसफार्मर यहाँ पे, प्लस मेन लीड यहाँ से निकाल दिया पीछे से, और स्पीकर के लिए यहाँ से। अभी जो है ग्लू गन से मैं इसको पूरा सील कर दूंगा, ठीक है, दोबारा से अपने जो कपलर वगैरह लगने हैं अभी ये वाले लगा के उसके बाद सील कर दूंगा। उसके बाद इस बूफर के वायर लग गए, और बूफर जो है हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। और आगे के लिए जो है यहाँ पे अपना स्पीक मॉड्यूल ब्लूटूथ का, और ये जो है नोब मैंने यहाँ से निकाल लिया वायर से, तो जल्दी से फिक्स करते हैं, उसके बाद जो आपको लुक दिखाते हैं। सो गाइस हमारा जो होम थिएटर है ऑलमोस्ट जो कंप्लीट होने वाला है, बस मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे होल वगैरह किए हैं, तो आपको जो है यहाँ पे ग्लूगन लगा देनी है, मतलब उसको तो होल को बंद कर देना है। और हमारे पोटेशियम मीटर वगैरह यहाँ पे लग गए हैं, ठीक है, और पीछे से भी आपको जो है ग्लूगन लगा देने जहाँ जहाँ भी आपने होल किए थे। तो जल्दी से इसको कर लेता हूँ, उसके बाद जो आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ, ठीक है।